आपको बताएं, चेयरमैन सेनेट मियां रजा रबानी, कायदे हिज्ब के खिलाफ कोशिश का एतजाज एहसन, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, मौलाना फजलुर रहमान समेत कई रहनुमाओं के बैंक अकाउंट्स में करोड़ों रुपए के जारी ट्रांजेक्शन का इंकशाफ हुआ। स्पीकर अयाज सादिक ने डायरेक्टर FIA स्टेट बैंक को तहकीकात के लिए खत लिख दिया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, चेयरमैन सेनेट रजा रबानी, खुर्शीद शाह, एतजाज एहसन और मौलाना फजल रहमान के अकाउंट्स में जाली ट्रांजेक्शन हुई है। इंकशाफ के बाद तमाम अराकीन असम्बली ने इदारों को तहकीकात के लिए खत लिख दिया कि इस संगीन मामले की तहकीकात की जाए। चेयरमैन सेनेट मियां रजा रबानी ने जाली ट्रांजेक्शन का इंकशाफ आज सेनेट के इजलास में किया। उन्होंने कहा कि SME बैंक की तरफ से मुझे रसीद मौसूल हुई है, इसमें 10 करोड़ रुपए मेरे अकाउंट में जमा करा दिए गए हैं, जबकि मेरा SME बैंक में कोई अकाउंट नहीं और मैंने अपनी तमाम माली तफसीलात इनकम टैक्स में जमा करवाई हुई है। कायदे हिज्ब इख्तलाफ खुर्शीद शाह का कहना था कि FIA और बैंक सदर को तहकीकात के लिए बोल दिया है और मालूम किया जाए जाली ट्रांजेक्शन के पीछे कौन है, जबकि स्पीकर अयाज सादिक के अकाउंट में भी करोड़ों रुपए की ट्रांजेक्शन की गई है। एतजाज एहसन, मौलाना फजल रहमान के अकाउंट्स में भी जाली ट्रांजेक्शन का इंकशाफ किया गया है। आरिफ सैयद, कैपिटल TV, इस्लामाबाद।